हिमाचल प्रदेश में हर साल ओलावृष्टि से बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अमूमन अप्रैल और मई महीने में ओलावृष्टि होने से सेब उत्पादन प्रभावित होता है। सेब को ओलों से बचाने के लिए प्रदेश के अधिकतम बागवान एंटी हेल नेट पर निर्भर है, परंतु भारी ओलावृष्टि में एंटी हेल नेट भी काम नहीं आते। भारी ओलावृष्टि से बचाव के लिए एंटी हेल गन की जरूरत पड़ती है और हिमाचल में डेढ़ दशक से भी ज़्यादा समय से एंटी हेल गन स्थापित करने का शोर है, लेकिन अभी तक भी सरकारी सेक्टर में सिर्फ एक ही हेल गन स्थापित की जा सकी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एंटी हेल गन क्या है और ये काम कैसे करती है। एंटी हेल गन एक मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए शॉकिंग वेव्स उत्पन्न करती है। इसके निर्माताओं के अनुसार इसमें एक लंबा स्थिर ढांचा होता है जो कुछ मीटर ऊंचे एक उल्टे टावर जैसा दिखाई देता है, जिसमें एक लंबा और संकीर्ण शंकु आकाश की ओर खुलता है। अपने निचले कक्ष में एसिटिलीन गैस और हवा में एक विस्फोट मिश्रण को खिलाकर उस गन को निकाल दिया जाता है, जो एक शॉक वेव यानी कि लहरें जो ध्वनि की गति से तेज यात्रा करती हैं, जैसे कि सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पादित होती हैं, उसको छोड़ देती हैं। माना जाता है कि ये शॉक वेव्स बादलों में पानी की बूंदों को ओलों में बदलने से रोकती है, जिससे वे बारिश की बूंदों के रूप में गिरती हैं। हिमाचल प्रदेश में एंटी हेल गन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2010 में लाया गया। राज्य सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 3 एंटी हेल गन आयात की थी और उन्हें शिमला के सेब उगाने वाले बेल्ट में 3 अलग अलग गांवों में स्थापित किया गया था, जहां गर्मियों में ओलावृष्टि से हर साल फलों को गंभीर नुकसान होता था। इन एंटी हेल गन्स में से एक वर्तमान में काम कर रही है, जबकि 2 को स्थानीय निवासियों ने खारिज कर दिया था। विदेश में निर्मित हेल गन 1.5 से 3 करोड़ रुपए में पड़ती है, लेकिन हिमाचल की ज़रूरतों को देखते हुए IIT मुंबई और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी हेलगन निर्मित करने का फैसला लिया था और उनके ये प्रयास सफल भी हुए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये स्वदेशी हेलगन विदेश में बनी हेलगन से कैसे अलग है। सबसे पहले तो स्वदेशी हेलगन कीमत में विदेशी हेलगन के मुकाबले में काफ़ी कम है। IIT मुंबई की एंटी हेलगन करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में प्रभाव पैदा करने में सक्षम है। हेलगन को लगाने समेत इस तकनीक का शुरुआती खर्च करीब 12 से 15 लाख रुपए मात्र है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद LPG का ही खर्च होता है। LPG गैस का प्रयोग इस तकनीक को सस्ता रखने के लिए किया गया है, लेकिन अभी तक एक ही एंटी हेलगन ट्रायल के लिए तैयार हो सकी है। हाल ही में कंडाघाट में टेस्टिंग के बाद स्वदेशी एंटी हेलगन शिमला जिले में जुब्बल के मंडोल में स्थापित की गई थी। इसकी क्षमता का आकलन अभी किया जा रहा है। हिमाचल में बागवान अपने स्तर पर एंटी हेलगन स्थापित कर चुके हैं। विदेशों से मंगवाकर निजी क्षेत्र में 5 हेलगन स्थापित की गई हैं। ये सभी शिमला जिले में हैं और सरकार ने सेब को ओलों से बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक पर हेलगन विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट से जुड़े IIT मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक प्रोफेसर सुदर्शन कुमार और डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौणी के पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर SK भारद्वाज ने बताया कि कंडाघाट में टेस्टिंग के बाद एंटी हेलगन को परीक्षण के लिए जुब्बल में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 10 से 12 अन्य स्थानों पर भी एंटी हेलगन लगाने की योजना है। बागवानी विभाग को इसका प्रोजेक्ट भी भेजा गया है, तो अगर बजट मिलता है तो अन्य स्थानों पर भी इसे स्थापित किया जाएगा। हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय एंटी हेलगन स्थापित करने की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2012 में BJP सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस सरकार ने एंटी हेलगन प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस दौरान शिमला जिले के बागी और रतनाड़ी पंचायतों से जुड़े बागवान अपने स्तर पर ही न्यूजीलैंड से 1.5 करोड़ रुपए लागत की एक एंटी हेलगन ले आए थे। इस वक्त हिमाचल में निजी क्षेत्र में 5 हेलगन स्थापित हैं।
लेकिन वो सभी सही से काम नहीं कर पाती। याद रहे कि हिमाचल में कुल सेब उत्पादन का 80% सेब शिमला जिले में होता है। ऐसे में शिमला जिले में सबसे अधिक एंटी हेलगन की जरूरत है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि सरकार क्षेत्र में एंटी हेलगन स्थापित करने पर तेजी से काम कर रही है। एक हेलगन का परीक्षण हो चुका है और प्रदेश में कम से कम 12 स्थानों पर एंटी हेलगन लगाई जाएगी, ताकि ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को रोका जा सके।